के बारे में पापा कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष बदल दिया ज्ञान सुनाया है तो ज्ञान की सुनाई हुई बातें याद नहीं रहती। दुनिया की परंपरा याद रहती है, है? बाबा तो बताते हैं कि शास्त्रों में सारा ही भूसा भरा पड़ा है। भक्ति मार्ग में क्या है? भूसा। और उसमें से दाना निकाल निकाल करके मैं तुम बच्चों को सुना रहा हूं। शास्त्रों में सच्चाई नहीं है, भक्ति मार्ग में सच्चाई नहीं है। सच्चा कौन सुनाता है? बाप आकर के सच्चाई सुनाते हैं। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी झूठ की या सच्चाई की? सच्चाई तो दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो तो सब झूठ ही झूठ। बाप कहते हैं मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। चित्र बनाए गए गणेश के, जो चित्र बनाए गए कोई ऐसा धाती जैसा आदमी हुआ नहीं है। चरित्र की याद है। हाँ, तो कोई ऐसा हाथी नहीं हुआ है। युद्धे अभिमानी ज्ञान में चलने वाले कोई ऐसे सांडे हुए हैं जिनका चित्र दिखाया जाता है जानवरों का। दे अभिमान उनका दिखाया गया चित्रों में। चित्र दिखाया हमको देखना है किसको? एक को देखना है। अनेक प्रकार के चित्रों को बुद्धि में धारण ही नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा? उनके संग का रंग हमको लगता रहेगा। ब्रह्मा का भी चित्र रखने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना है तो औरों का चित्र हम क्यों बुद्धि मिला रहे? सवाल में आज भी कर रही क्या? घर के कलेश रहता है, बकरी क्यों रहता है? ये दुख धाम है या सुख धाम है? शांति के लिए करती हूँ। तो ये दुनिया अभी दुख धाम है या सुख धाम है? तो दुख धाम में तो दुख और शांति होगी। जो बाप जो नई दुनिया बनाए रहे हैं, जो नई दुनिया का संगठन तैयार कर रहे हैं, जो नई दुनिया का संगठन रूपी किला तैयार हो रहा है बाप के द्वारा, हाँ, उसमें शांति। जहाँ बाप आ गया, तो जहाँ बाप आ गया नहीं, बाप तो दुखधाम में आया है, सुखधाम में आया है। दुखधाम में आया सुख देने। बाप तो अशांति की दुनिया में आया है। हाँ, अशांति की दुनिया में आया है, दुखधाम में आया है। तो दुखधाम की बात जो है वो हमारी बुद्धि में से निकल जाए, इतना बुद्धि हमारी सात्विक बन जाए कि ज्ञान के अलावा और कुछ बुद्धि में ना आए। ज्ञान इतना पराकाष्ठा को बैठा हुआ हो कि हमें दुख मिल रहा है फिर भी हम समझ आ रहे हैं हमारे पूर्वजन्म का कोई हिसाब किताब में पूरा हो रहा है। ये व्यक्ति हमको पिटाई कर रहा है, हमने इसकी पिटाई की होगी पूर्वजन्म में, इसलिए ये हमको हिसाब किताब पूरा कर रहा है, मार रहा है। हमको तो बाप मिला हुआ है, जब इसकी हमने पिटाई की थी तो कितनी दुर्गति हुई होगी। इसको तो उस समय बाप भी नहीं मिला था, हमें तो फिर भी आसरा मिला हुआ है। बुद्धि को इतना तीखा बनाओ कि ज्ञान का सागर बुद्धि में बैठा रहे। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हमारा किया हुआ आ रहा है या किसी दूसरे ने किया है, हम जो कुछ है भोग रहे हैं वो भोगना हम अपनी की हुई भोगना भोग रहे हैं या कोई दूसरे ने हमारे ऊपर भोगना थोप दिए? जो कुछ हमने किया है
वो ही हमारे सामने रिटर्न हो रहा है, इसलिए कोई परवाह नहीं, आओ खुश हो जाओ, क्या हम हल्के हो रहे हैं, हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और बाबा ये सीढ़ी का जो चित्र है ये तो भारत की दौराजी जन्म की कहानी दिखलाता है, तो बाबा कोई तो सृष्टि रूपी संबंध का, कोई तो आदि में आया, कोई मध्य में, कोई अंत में, बाबा ये किस प्रकार से पता चलेगा कि 84 जन्म का मतलब सबसे स्थिरता द्वापर कलयुग, इस तरह सीढ़ी बाई सीढ़ी जो 84 जन्मों का पाठ भारतवासी देवताएं होते हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, तो जो देवताएं हैं उन्हीं की 84 जन्मों की कहानी है, जिन्होंने कम जन्म लिए हैं वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो पक्के भारतवासी है ही नहीं, देवता बनते ही नहीं है। सतयुग से शूटिंग होती है, लेकिन सतयुग में जनसंख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 9 लाख जनसंख्या होती है, तो जो 9 लाख हैं वो ही तो सीढ़ी की कहानी है, उससे ऊपर तो सीढ़ी की कहानी नहीं है। बाकी अगर झाड़ में जाना हो तो झाड़ में अनेक धर्मों की बातें हैं। जैसे कोई तो 90 में आया सर, कोई 98 में, कोई 2000 में, इस तरह से आ रहे हैं, चलो कोई आज आ रहा है, ज्ञान में आज ही आ रहा है, तो उसके बारे में हम क्या ये जानते हैं कि पूर्वजन्म में नहीं आया होगा, पक्का कर दिया, पूर्वजन्म में भी तो आया होगा, तो बात खत्म हो जाती है। हम किसी भी आत्मा को ये नहीं देखें कि ये नई है, हाँ प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई 80 साल की उम्र है, तो भी बुद्धि में उसके लिए शुभ भावना करें कि 80 साल की उम्र होते हुए भी एडवांस ज्ञान ले रहा है, तो जरूर ये राम वाली आत्मा के कनेक्शन में रहा होगा पूर्व जन्म में, इसलिए ये एडवांस ज्ञान ले रहा है। जन्म जन्मांतर का साथी है। तो बाबा ये सतयुग तिरता द्वापर कलयुग की जो शूटिंग है वो जो ज्ञान में आती है आत्मा, अब से लगाते हैं या सिर्फ पूर्व जन्म के हिसाब से लगाते हैं, जैसे पूर्व जन्म में भी आई और अभी भी आई। पूर्व जन्म जो होता है उसके आधार पर ही इस जन्म में ज्ञान मिलता है, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। 63 जन्मों में जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो ही इस ज्ञान को उठाते हैं, और जिन्होंने जितने जास्ती अच्छे कर्म किए हैं उतना अच्छा ज्ञान उठाएंगे, जिन्होंने जितने जास्ती भ्रष्ट कर्म किए हैं, दुखदाई बने हैं, वो उतना ही इस ज्ञान को कम उठाएंगे, और उठाएंगे भी तो फिर दूसरे धर्म में विलंब जाएंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं, कम कलाओं में चले जाते हैं, कम जन्म लेने वाले बन जाते हैं। बाबा ने बोला कि जैसे एक चल जाए घर में से तो सारे चल जाएंगे। हाँ, एक अगर ज्ञान में एडवांस में आ गया तो उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आगे चल जाएगा। कोई चलने को तैयार नहीं, बाबा नहीं चले आ रहे, तुम ऐसे समझो कि ये हमारी गीता पाठशाला का बच्चा है, कोई बच्चा होशियार होता है, कोई बच्चा डल होता है। ब्रह्मा बाबा हॉस्टल बना करके बैठे माउंट आबू में, तो वहाँ बहुत से ऐसे थे जो न सुबह को क्लास करते थे न शाम को क्लास करते थे, बस सोना खाना और मस्त रहना, यही उनका जिंदगी। तो उनको क्या निकाल के बाहर फेंक दिया, नहीं, ये भी हमारी गीता पाठशाला जो बच्चे आगे चल के सुधर जाएंगे, अभी नहीं चलते हैं, आगे चल के चल पड़ेंगे, उसका हिसाब है ना, कि अभी तो तिरस्कार करते हैं क्योंकि दुनिया तिरस्कार कर रही है, तो दुनिया को देख करके वो भी तिरस्कार करते हैं,
लेकिन आगे चल करके जब नाम निकलेगा, सच्चाई जो है वो एकदम प्रत्यक्ष नहीं होती है। सच्चाई को प्रत्यक्ष होने में भी टाइम नुदा हुआ है। पूरी है, पूरी तेल में डाली जाती है तलने के लिए तो नीचे बैठ जाती है, फिर अपना टाइम आता है तब तब ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जब पकेगा तो प्रत्यक्ष होगा। बच्चा है, 9 महीने पेट में रहता है, कोई कहीं पहले ही क्यों नहीं आ जाता? अरे जब तक गर्भ पकेगा नहीं तब तक बाहर कैसे आएगा? तो ऐसे ही ये भी ज्ञान गर्भ है, इसमें भगवान बाप अभी पैदा नहीं हुआ है। पैदा माना जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबकी नजरों के सामने आ जाता है। पहले घर वाले पहचानते हैं, फिर मोहल्ले वाले पहचानते हैं, फिर दुनिया पहचानती है। तो ऐसे ही ये भगवान दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है। हम बच्चों के बीच में भी प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन माया हमारी आंखें क्यों मूंद देती है? अभी अभी हमारी आंखों के सामने ऐसे लगता है हमें भगवान मिल गया, और थोड़े समय बाद ऐसे लगता है भगवान मिल गया तो इतना दुख काहे के लिए? भगवान कहाँ से मिल गया है? तो रावण की दुनिया है, रावण मिल गया, भगवान कहाँ मिल गया? तो अनिश्चय आ जाता है, घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय। इससे साबित होता है ये गलत सोचना, साक्षात भगवान सामने बैठे। अब जब परीक्षा आएगी तभी तो पता चलेगा। जब रेडियो में निकलेगी ग्लानी, जब टीवी में ग्लानी निकलेगी, जब अखबारों में ग्लानी निकलेगी, चारों तरफ से ग्लानी के पहाड़ ऊपर गिरेंगे आकर के कीचड़ के, तब पता चलेगा तुम्हारा कि भगवान आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। अभी तो सबको ही कह देगा, परीक्षा के बाद पता चले कि हमको कितना निश्चय है और कहाँ तक निश्चय है। ये तो बाबा को ये बोलने की क्या दरकार पड़ती? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो हद का ज्ञान सरोवर ईंटों वाला ही नहीं, जो अभी एडवांस में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं उनको ज्ञान की बातें छोड़ देनी पड़ेंगी। ये सब हम तो कहीं फंस गए थे, तो सब झूठा निकला। बाबा ऐसे क्यों का क्या सवाल? ड्रामा में क्यों थोड़ा ही होता है? माला में नंबर ऐसे ही ले लेंगे अगर ये परीक्षा ना आए तो? आपका माला में तो आपका आपका पहला नंबर आ रहा है, बना रहेगा। ऐसी परीक्षा ना आए नंबर कैसे बनेंगे? पास कैसे होंगे? अगर परीक्षा ना आए तो परीक्षा का रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट निकलना है कि नहीं निकलना है? कौन 8 के दाने बनेंगे, कौन 108 के दाने बनेंगे? 108 की माला में आने वाले हैं कौन? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला में आने वाले हैं कौन? 16000 की लिस्ट में आने वाले हैं, 16000 में कौन सा नंबर है? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो 1,00,000-2,00,000 सालिग्राम बनाते हैं, उन 1,00,000-2,00,000 सालिग्रामों की लिस्ट में कौन आने वाले हैं? फिर 9,00,000 में कौन आने वाले हैं? फिर सतयुग में आने वाले 2 करोड़ हैं, उस लिस्ट में आने वाले कौन हैं? त्रेता में 10 करोड़ हैं, त्रेता के अंत में, उस लिस्ट में भी कोई आने वाले होंगे कि नहीं? कलयुग के अंत में 500 करोड़ हैं। सब आत्माओं को अपने पार्ट का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? नहीं चलेगा? चलेगा तो कैसे चलेगा? परीक्षा हुए बगैर? बाकी पढ़ाई कमजोर होती है वो परीक्षा से डरते हैं। जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी वो कहेंगे कल होती हो तो आज हो जाए।
बाबा मैं हर बार सोचती हूँ भक्ति करने के अब मैं नहीं रह गया, ये क्या कारण है? मैं जब भी सोचती हूँ जब भी रह जाती हूँ माया ऐसे। आपने बिघन डाला होगा अच्छे काम में पूर्व जन्म में, उस बिघन आपने भी कोई को रोका होगा, आपको रोक रही है। दो तीन बार सोच लिया मैं जाऊंगी, मेरे को माया नहीं पकड़ी। हर बात में ज्ञान युक्त होकर के सोचना चाहिए, कुछ भी हो जाता है तो ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में लाओ, ऐसा क्यों हुआ, जवाब मिल जाए। बाबा अभी तो परीक्षा आ रही है, परीक्षा अभी जिन बच्चों को परीक्षा आ रही है बाबा है वो परीक्षा परीक्षा नहीं, अभी और आएंगे आगे चलकर। स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो मास मास में परीक्षाएं होती हैं, हर तीन महीने में परीक्षाएं होती हैं, छः महीने के बाद परीक्षा होती है, फिर फाइनल भी होता है, फिर छोटे क्लास की भी परीक्षाएं होती हैं और बड़े क्लास की भी परीक्षाएं होती हैं, फिर जब पद मिलता है तो ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग की भी परीक्षा होती है। ट्रेनिंग की परीक्षा में पास हो गए तो समझते हैं कि अब हम बन ही जाएंगे। तो घड़ी घड़ी परीक्षाएं हैं, ये बात थोड़ी कह सकते कि अभी परीक्षाएं क्यों हो रही। फाइनल परीक्षा एक ही है, क्या नष्टम हुआ स्मृति लब्धा, वो अभी से देखें कि पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक हमें कितना नष्टम हुआ स्मृति लब्धा होकर के रह रहे हैं। जो जितने लंबे समय तक नष्टो मोवा होकर के रहेगा उसका उतना ही नंबर पहले आ जाएगा, तो फाइनल परीक्षा ही है। बाबा लक्ष्मी आने में कितना टाइम लगेगा? इतना आपका आवाहन करने में कमी रह जाएगी। अपने आप तो कुछ होना नहीं है, करने से ही होगा या अपने आप हो जाएगा, करने से होगा। बाबा ने तो बोल दिया है विजय माला का आवाहन करो। बाबा हम करना कुछ हो जाते हैं और वो कुछ हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अज्ञान है, कुछ और क्यों करना चाहते हैं? जो भगवान कराना चाहता है सो ही करो ना। क्यों? ये भी देखा कि भगवान क्या कराना चाहता है आपसे? तो क्यों सोचते हैं आप दूसरा? भगवान तो कहते हैं मनमना भव, जो मेरे मन में है सो तेरे मन में चले, तो आप दूसरा क्यों सोचते हैं? है उसमें अच्छाई होगी? है देख दक्षिण भारत है, भारत का विदेश ऐसे बोला है अद्वैतवाणी। विदेश इसलिए है कि दक्षिण भारत के तीनों तरफ समंदर है, जब दूसरे दूसरे सभी धर्म खंड डूबेंगे तो दक्षिण भारत भी डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबेगा। तो दक्षिण भारत जब डूब जाता है तो उत्तर भारत का ऊंचा हिस्सा बच जाता है, उसे कहते हैं जम्बूद्वीप। ऊपर का हिस्सा बचता है
वहाँ देवताओं की सृष्टि चलती है 2500 साल। जब 2500 साल की देवताओं की सृष्टि पूरी होती है तब दूसरे दूसरे धर्मखंड भी ऊपर आते हैं और साथ साथ ये दक्षिण भारत भी ऊपर आ जाता है। इसलिए बोला कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वहां की भाषा भी जैसे विदेशियों की भाषा दूसरी वैसे उनकी भाषा भी अलग अलग भाषा है, अलग दूसरी भाषा है। जैसे विदेशियों के भाव स्वभाव संस्कार अलग है वैसे दक्षिण भारत वालों के भी भाव स्वभाव संस्कार अलग अलग है। नीति रीति भीत सब अलग अलग। और भगवान जब आते हैं तो भगवान को पहले तीक्ष्ण बुद्धि वाले ज्यादा पहचानते हैं, पहले पहचानते हैं या भारतवासी पहले पहचानते हैं? दक्षिण भारत के लोग तीक्ष्ण बुद्धि हैं, विदेशी हैं, वो जल्दी पहचान लेते हैं। ये एडवांस नॉलेज निकली, एडवांस नॉलेज को पहले दक्षिण भारत वालों ने पकड़ा या उत्तर भारत वालों ने पकड़ा? दक्षिण भारत के लोगों ने पहले पहचान लिया। कोई कहे बेसिक नॉलेज में क्यों नहीं ऐसा हुआ? अरे बेसिक नॉलेज की तो शुरुआत ही कराची से हुई है, वो तो विदेशी है। बाबा मुरली में बोला कि बाबा जो आए हैं विदेशी बनकर है, विदेशी बनकर आए हैं बाप, माने विदेशी है तो नहीं। ड्रामाबाजी की जाती है ना, नाटकबाजी, तो नाटक में कोई नाटक खेलता है तो कोई गधा बन जाता है, तो कहते हैं ये गधा बन के आया। तो ऐसे ही बाप कहते हैं मैं क्या बन के आया हूँ, मैं विदेशी बन करके आया हूँ। दुनिया में विदेशियों की संख्या ज्यादा है या भारतवासियों की संख्या ज्यादा है? पूरी दुनिया में टोटल देखा जाए तो ज्यादा संख्या किसकी है? विदेशियों की संख्या ज्यादा है। तो बाप सारी दुनिया का बाप है या सिर्फ भारतवासियों का बाप है? सारी दुनिया का बाप है। इसे सारी दुनिया का कल्याण करना है तो कैसा बन के आना पड़े? विदेशी बनकर आता है। अगर विदेशी बनकर ना आवे तो तुम बच्चों से मिल भी ना पावे। क्या बच्चे जो है तो चाहते हैं कि सब संबंधों से हमें भगवान मिले। अगर भारतवासी बन के आए तो सब संबंधों से मिल ही नहीं सकता, भारतवासी तो राम को कहा जाता है। क्या राम को? और राम का तो मर्यादा है, क्या मर्यादा? पुरुषोत्तम, एक पत्नी में ही मर्यादा बंधी हुई, तो फिर मिल पाएगा सबसे? नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान जो है जब आते हैं तो विदेशी बनकर आते हैं, सारी दुनिया से मिलन हो सके, जो जिस तरह मिलना चाहता है वो उस तरह से मिले, सबकी आस पूरी करते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं तो इनकी समझ में वास्तव में आता ही नहीं कि ये समझती नहीं। रावण जानता था कि ये भगवान है, फिर जान करके भी अनजान बना हुआ था अपने अहंकार में आकर के कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक लड़ाई में हमसे जीत न जाए, क्योंकि रावण के पास बहुत मान मर्तबा था, बहुत प्रकांड विद्वान था और राम तो जंगलों में घूम रहे हैं, जंगली आदमी।
रावण को मेहलबानियां हटा रही थे और राम तो झोपड़ी वाला बना के रहते थे। तो अभी क्या हालत है? अभी जो बेसिक में है वो मेहलवाणियों अटारियों में रह रहे हैं या झोपड़ियों में रह रहे हैं? मेहलवाणियों अटारियों में। उनके पास जो ताकत है वो बड़े बड़े मिनिस्टर उनके पांव में पहुंचते हैं, बड़े बड़े लखापति करोड़पति और मल्टी मिलियनेयर और बड़े बड़े कारखानों वाले वो सब उनके चरणों में पैसे डाल रहे हैं। तो इतना बड़ा भारी मान मर्तबा मिला हुआ है तो उसका अहंकार नहीं चढ़ेगा? प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, उनको प्रभुता मिल जाए तो उसको अहंकार जरूर आता है। तो रावण को भी अहंकार आता है कि देखें हमसे कैसे ये बनवासी जीत पाएंगे। अब उनका अहंकार कब टूटेगा फिर? जब हम बंदरों का टूटेगा। राम की सेना में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है कि नहीं है? तो टूट गया है? बाबा जैसे कि बीके में ज्ञान में चलते रहे और चलते रहते रहते जैसे मुरली में जो आया वो करते रहे बच्चे और मुरली के आधार पर चलते रहे, जैसे कि मुरली में आया ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं रखना है, चार बार ज्ञान स्नान करना है, तो वो बच्चे कैसे, क्या उनकी कुछ समझ में आता रहा बिना पता लगे? ज्ञान भगवान बाप से आता है या ज्ञान अम्मा से आता है? बाप से आता है। जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया उस ज्ञान के आधार पर कोई की बुद्धि में बैठा कि बाप का पार्ट किसका है? तो फिर याद किसको करेंगे? संग का रंग किसका लगाएंगे? अब ब्रह्मा का तो फोटो ही नहीं रखना, वो तो पहले से ही नहीं रखना। जिसको फोटो ही नहीं रखना है तो उसको याद करना है? कभी नहीं याद किया जब से बाबा ने मुरली में सुनाया। तो ज्ञान अधूरा हुआ ना। ज्ञान हो और उसकी समझ ना हो, ब्रह्मा के मुख से जो भी बातें निकली उन बातों को समझा या सिर्फ सुना? सिर्फ सुना, दूसरों को सुनाया रट्टू तोते की तरह। आया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन बुद्धि में ये बात आई कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो गीता का भगवान कौन है? गीता ज्ञान सुनाने वाला है कौन फिर? वो बुद्धि में आया नहीं है। मुरली में तो आया परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर बुद्धि में ये बात आई कि एक व्यापी कहाँ है? चलो सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापक नहीं है। सब में व्यापक होगा तो कैसे याद करेंगे? वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर वो एक व्यापी कहाँ है जो हम एक को याद करें? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो कहाँ? तो ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात और ज्ञान को समझना और समझाना अलग बात। तो ज्ञान ज्ञान कब कहा जाएगा? समझ को ज्ञान कहा जाता है या सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है? समझने को ज्ञान कहा जाता है। समझा तो है ही नहीं तो ज्ञान कैसे करें? ब्रह्मा के तन से शिवा अपनी वाणी चलाते रहे, ब्रह्मा के कान पहले सुनते रहे, ब्रह्मा कुमार कुमारों के कान भी सुनते रहे, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं है। मुरली में तो आया, सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, लक्ष्मीनारायण का राज्य आ जाएगा, चित्रों में भी छाप दिया। फिर
बात बुद्धि में बैठी थी क्या? नहीं बैठी तब तो ऐसी बात आ गई बुद्धि में। किसी को समझाओ तो भी लड़ने को आते बाबा, कोई नहीं सोचता। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। जब हम 63 जन्मों में राजा बने हैं तो हमने कम पाप किए है क्या? हमको प्रभुता नहीं मिली थी वहाँ? बाबा भगा देते हैं शंकर। हैं? भगा देते हैं शंकर। तो आपने जब राजा ही मिली होगी, राजा रानी बने होंगे, तो आपने भी भगाया होगा उनको। आपने धक्का देके भगाया होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करें, बल्कि आप तो फायदे में। आपने तो अपने राज्य के बाहर ही कर दिया, निकला हमारे राज्य के बाहर। और वो तो आपको अपने ज्यादा से ज्यादा आश्रम की चार दीवारी से बाहर कर देते हैं, तो ज्यादा फायदे में कौन है? आप ही फायदे में। बड़ा पाप आपने किया था कि वो कर रहे हैं? आपने अपने राज्य से ही बाहर खदेड़ दिया और उन्होंने आश्रम की चार दीवारी से बाहर कर दिया। ज्यादा बड़ा पाप किसने किया? हमने किया ना। तो फिर खुश होना चाहिए कि हमने ज्यादा पाप किया तो भी भगवान ने आके हमारे चिंता कर दिया, सूली को कांटा बना दिया। बाबा बीके वालों में से सबसे पहले कौन सा बच्चा निकलेगा? पहले कौन सा बच्चा निकलेगा? ये सब बीके वाले तो बैठे हुए यहाँ जो बैठे हैं कोई ऐसे हैं जो बीके वाले नहीं हैं? प्रत्यक्ष। कौन सा बच्चा प्रत्यक्ष होगा? तो भागीरथी पहले प्रत्यक्ष होगा और कौन प्रत्यक्ष होगा? फिर 8 प्रत्यक्ष होंगे, फिर 108 प्रत्यक्ष होंगे। और बाबा जो जो आत्माएं एडवांस पार्टी के अंदर जो शरीर छोड़ देती है कारने कारने, तो बाबा वो फिर से एडवांस में आएंगे क्या? शरीर धारण करके या सूक्ष्म शरीर से पार हो जाएंगे? वो एडवांस में आए, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान तो बैठा हुआ है कि शरीर रहते रहते हमको नई दुनिया में जाना है, कंचन काया बनानी है। तो ये आस उनकी अगले जन्म में पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अगला जन्म लेंगे या बनाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। जब तक वो पहले में वो सब नहीं देखना। आजकल आज अखबार में आ रहा है 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है। बाबा फिर जगदम्बा कहाँ जन्म लेंगे अगले जन्म में जब शरीर छोड़ेंगे? ये कोई ज्योतिषियों का ज्ञान थोड़े ही है। नहीं शरीर छोड़ेंगे जैसे लंबा सारे जगत के ऊपर राज्य करती है, तो उससे ऊंचा कोई पद होता है क्या? नहीं। सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगी तो अगला जन्म जो लोगी वो नीचा जन्म लेगी या ऊंचा जन्म लेगी? नीचा। उससे नीचा ही होता जाएगा। कहाँ लेगी? भारत में ही लेगी, कहाँ लेगी? नहीं। हाँ विदेश में, विदेश रह जाएगा क्या? नहीं बाबा। हाँ जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बनता है सो उसमें बच्चा बनता है, वो सूर्यवंश में बनता है कि चंद्रवंश में बनता है? फिर जगदम्बा का पाठ चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है? बाबा मुरली में बोला थे मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की बात से लेके जाता हूँ। चित्र बनाए हुए शुभ लाभ वाला, उसमें एक में लक्ष्मी का चित्र दिखा हुआ है, एक में गणेश का और एक साइड में सरस्वती का चित्र दिखा हुआ है। तो वो बाबा वो तुम किस समय की याद कर रहा था? ये गणेश अणेश जितने भी जानवर वाले देवताएं दिखाए हैं वो कलयुग में बनाए जाते हैं या द्वापर में बनाए जाते हैं? बुद्धि ज्यादा तमो प्रधान कहाँ होती है? जानवरियत वाली बुद्धि कलयुग में होती है। हमारी बुद्धि में ये गणेश वणेश क्यों आते हैं? हाँ उन्हीं चित्र में तुम्हारी बुद्धि क्यों जा रही है? 33 करोड़ देवता ऐसे खत्म हो गए।
बाबा ये दादी जी प्रकाश मणि ये कब शरीर छोड़ेंगे? अभी पांच बार तो पांच हॉस्पिटल में से चक्कर लगा के आई मुसीबत से, अब फिर तुमने ये संकल्प चलाना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में भर्ती रही कितने महीने? ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती रही, बम्बई हॉस्पिटल में भर्ती रही, जगह जगह तीन जगह चक्कर काटती रही, कामा में पड़ी रही हर हॉस्पिटल में, अब फिर तुम संकल्प चला रही। तो अरे, जीएंगे। अरे कुछ काम करके जाएंगी कि ऐसे ही चली जाएंगी? हैं? उनके फॉलोअर्स ने उनको जिंदा रखने के लिए कितना लंबे टाइम का योग रखा, संगठित योग सारी दुनिया में, तो बड़ी मुश्किल से जिंदा कर पाया। आपका ही लिए ऐसा संकल्प ड्रामा कल्याणकारी है? कल्याणकारी ना आने दे, तो माया का काम है, माया का काम है, भगवान नहीं आया हुआ, झूठी बात है। माया क्या करती है? माया अनिश्चय पैदा करती है बाप के ऊपर, और तुम बाप के ऊपर निश्चय बैठाते हो। जब सेवा करने जाते हैं तो एक भाई हमसे पूछ रहा था कि जब आदि में सेवाराम के तन में शिव परमपिता परमात्मा आए तो उस समय उन्होंने इतना ज्ञान धारण क्यों नहीं किया है? शरीर क्यों छोड़ दिया और उनको ज्ञान इतना क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बता पाए शरीर छोड़ कर क्यों चले? उनको कितना ज्ञान क्यों नहीं बता पाए? ज्ञान उस समय था ही नहीं। जैसे बीजारोपण करते हैं, बीजारोपण ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, वो तो शिव करते हैं, प्रजापिता थोड़ा ही करता है। प्रजापिता करता है क्या? नहीं, ज्ञान का बीजारोपण कौन करता है? शिव बाप करते हैं। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, कि कोई मनुष्य? शिव बाबा है, तो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर उस समय नहीं है, उस समय प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो ज्ञान का सागर जब प्रत्यक्ष होता है तो उस ज्ञान सागर के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता ज्ञान का। बाबा से बोला था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। जो अपने कुल का होगा थोड़े में मान जाएगा, और जो अपने कुल का नहीं होगा और तुम जिंदगी भर सुनाते रहो नहीं माने, ज्यादा पीछा ही नहीं करना चाहिए। बातें याद कर, ज्ञान किसकी बुद्धि में टिकेगा? ज्ञान पवित्र बुद्धि में टिकेगा या पवित्र की बुद्धि में टिकेगा? जो पवित्र बुद्धि होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया, दुनिया समझती विष पीता है, लेकिन भगवान क्या समझता है? कि ये जितना निर्विष है, जितना चंदन का वृक्ष है, उतना दुनिया में कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी है, सन्यासी संग में आएंगे स्त्री के तो जरूर पतित बन जाएंगे, अब कहाँ ये गृहस्थी है, रोज संग में ही रहते हैं और संग में रह करके भी राजयोग सीख रहे हैं, वंडरफुल बात की नहीं, तो ज्यादा पवित्र कौन हुआ? जो घर गृहस्थ में रह करके भगवान का ज्ञान ले रहे हैं वो ज्यादा पवित्र, वो तो ढोंगी हो गए, दूरबाज खुशबाज, दूर रह करके पवित्रता का पालन कर लिया, 10 साल जेल में रहे कहते हैं हमने तो 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो मजबूरी हुई कि वो ब्रह्मचर्य पालन किया? फिर कहाँ कायरों की पवित्रता, भाग गए जंगल में, और कहाँ तुम्हारी पवित्रता? ज्यादा ऊंचा लक्ष्य किसका है? जो घरगस्त में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, फिर भी अपनी बुद्धि को न्यारी रखते हैं, तो ऊंचे हुए ना। भगवान गृहस्थियों को मिलता है या भगवान भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य जैसे सन्यासी को मिलता है? गृहस्थियों को मिलता है, कोई राज होगा इसमें? बाबा शंकर जी की कुछ लटाएं तो खुली हुई दिखाते हैं और कुछ जूड़ी बंदी हुई दिखाते हैं, इसमें क्या राज है बाबा?
कुछ ज्ञान खोल दिया होगा, कुछ ज्ञान नहीं खोला होगा। अभी जैसे खोल जाए अभी भी ज्ञान अभी ज्ञान पूरा खुला नहीं है। अंत तक नई नई बातें सुनाते रहेंगे। सारी बातें अभी बता दूं तो आगे चल के क्या बताऊंगा। तो हर महीने आते ही रहते हैं। महीने की बात आप कहेंगे, महीने की बात करेंगे तो महीने तो साल में 12 ही होते हैं, तो 12 ही जगह जा पाएंगे। फिर उन 12 जगह में आपका नंबर लगेगा। सर 2018-19 के आसपास कृष्ण का जन्म बता दें तो बाबा वो संगम में भी कृष्ण की बात है या स्कूल में भी जन्म होगा। शास्त्रों में कौन से कृष्ण की बात है? संगम में। तुम्हारा लेना देना किससे? और चाय चाय पीना अभी बंद नहीं किया है। आपकी रखी है, है? आपकी चाय रखी है। बाबा कहते चाय देवता चाय पीते हैं। बाबा जैसे आप बोलते हैं कि इतने भट्टी नहीं करेंगे इतने मेरे बच्चे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई गर्भ में बच्चा पकेगा ही नहीं। नहीं अगर बिना गर्भ में पके नहीं और कहेंगे मैं बाप का बच्चा बन जाऊंगा पैदा होकर तो बन जाएगा है? वो भी 9 महीने पकता है। ये तो बेहद की भट्टी है, ये 9 महीने की नहीं है, 9 दिन की है। एक दिन जाना एक दिन आना और 7 दिन वहाँ पकना। अगर भट्टी करके वो बदल जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या हो गया? दुनिया में बच्चे मर नहीं जाते हैं? 9 महीने पेट में रहने के बाद नहीं मरते हैं क्या? वहाँ भी मर जाते हैं, यहाँ भी मर जाते हैं। है बाबा को देवी बहुत सी ऐसी है जो उनका हमारी उम्र बट्टी नहीं करने देते। तो उनकी रोज ही बट्टी वैसे समझेंगे हमारी रोज बट्टी। बाबा पीके से जो एडवांस में भर्ती करके और जो मर जाते हैं और वापिस जीके में चले जाते हैं तो वह आपको एडवांस में ही आएंगे बाद में? क्यों नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? या विजयवाला में आएंगे सब लोग? विजय माला में कहीं भट्टी करने के बाद आते हैं? विजय माला की मंडी में तो भट्टी कर दी तो कर दी, भट्टी कर दी माने उनकी बुद्धि में कुछ बैठ गया। विजय माला की मंडी वो बाप का परिचय बैठ गया, वो चंद्रवंशी बन ही नहीं सकते। वो सूर्यवंशी रहेंगे, सूर्यवंशी सूर्यवंशी रहेंगे। विजय माला की मंडी भट्टी नहीं करेंगे? विजय माला जो है उसका हेड चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी कैसे बन जाएंगे? और तो ज्ञान सूर्य का ज्ञान ले लिया। अमरनाथ के बच्चे हैं कि मरने वाले नाथ के बच्चे हैं? अमरनाथ के बच्चे अमर हैं। फिर वो अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं कि हम मर गए, उनका मरना हो ही नहीं सकता। हाँ लक्ष्मण की तरह मूर्छा लग जाए वो हो सकता है, मूर्छित हुए पड़े। और कहते हैं कि शादी में जाओ तो पूछ के जाओ, शादी में जाओ तो पूछ के जाओ, शादी में जाओ तो पूछ के जाओ। कौन कहता है? मुरली में। बाबा बोले मुरली मुरली में कहते हैं। ठीक है, बाबा का ठप्पा लगवा के जाओगे तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि हाँ जाओ लेकिन ईश्वरी सेवा करो, जाके सेवा की लक्ष्य से जाओ।
नहीं तो संघ का रंग लग जा लग सकता है। एक कमरा खाली है। कहाँ? विश्वनिकेतन में एक कमरा खाली है। एक कमरे में गृहस्थी जमेगी तो बाबा ने वाला तो कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ अपने घर को। एक कमरा ले लेंगे और उसमें गीता पाठशाला खोलेंगे। खाली पड़ा है लेकिन उनको कहो कि तुम अपने पूरे घर परिवार को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ, गीता पाठशाला बनाओ। एक कमरे को क्यों बनाओ? केजरीवाल ने बोला कि ये गीता पाठशाला खोलेंगे। उनके युगल ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं तो कैसे गीता पाठशाला युगलों की होती है? लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ाने वाले भी कैसे होने चाहिए? ऐसे बिना ये बल के ज्ञान में तो और जा सकती है लोग बिना युगल के ज्ञान में भी जा सकते हैं और बिना युगल के शक्ति भवन भी खोल सकती है। पांडव वहाँ नहीं आए। माताएं करती हो भाई लोग पांडव भवन खोल के बैठ सकते हैं, वहाँ कन्याएं माताएं नहीं जाएंगी। सेवा करने के लिए मना थोड़ा ही है। बाबा अष्टदेव को अभी जो क्लियर हो रहे हैं आठों गाठों कब तक हो जाएंगे? नंबर वन जब तीन सीट प्रत्यक्ष हुई थी तो क्या इकट्ठी तीनों इकट्ठी प्रत्यक्ष हो गई थी, एक के बाद एक प्रत्यक्ष हुई ना, तो ऐसे ही आठ जो प्रत्यक्ष होंगे वो एक एक करके प्रत्यक्ष होंगे। यहाँ ये बोला है और जो ग्रुप्स हैं प्रत्यक्ष होने वाले उनके मुकाबले इन आठ की प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी होगी। ऐसे नहीं त्रिमूर्ति की तरह सालों लग जाएंगे और जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएंगे आठों। आठ तो सारी दुनिया के पूर्वज हैं। तो पूरा परिवार ही तैयार हो गया फिर तो। बाबा ये नंबर वाली प्रत्यक्ष होंगे यदि जैसे ये आठ आठ जो धर्म है आठ नौ दस धर्म तो उसी हिसाब से होंगे जैसे पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जिस क्रम से षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं उसी क्रम से ज्ञान में आते हैं, उसी क्रम से प्रत्यक्षता होती है। जो जिसको आता है सो करता है। नई नई थेरापी चली है, एक बीज थेरापी चली है। वो हाथ में बताते हैं स्विच बोर्ड है पूरे शरीर का, जहाँ पे जो अंग का स्विच है वहाँ पे उसी अंग का बीज लगाने से तुरंत फायदा होता है और लोगों को फायदा हुआ भी है। इसलिए वो कहते हैं बाबा हम करेंगे ट्रीटमेंट करो, तुम भी अपना करिश्मा दिखाओ। बाबा कितने
समय और लग जाएगी शूटिंग में। नाम तुम्हें दम आ रही है क्या? नहीं बाबा, ये बताऊँ ना, बाहर निकलते हैं ना तो डर लगता है ना इन लोगों से। ऐसे बाहर निकलते हैं ना, रात को भी निकलते हैं। एक बार में वहाँ गई थी दिल्ली, और एक लकड़ी लेके हाथ में, तो आग जला रहा था एक आदमी, मेरे पीछे आ गया। आग लगाते लगाते पीछे थे और मेरे पीछे आ गया था। एक आदमी सामने खड़ा तो उसको देख के वो पीछे भी चला गया लौटे। तो मेरा हाथ में डंडी लग रही थी, फिर तो मैं दिल्ली चली गई रात को। गाड़ी कोई मिली नहीं, पैदल पैदल गोल चक्कर तक पैदल पैदल चली गई। ऐसा क्यों है जी, गरंडे कब कम कमाएंगे? नई दुनिया बनेगी, गरंदे भी कम कम होने लगे। जितनी जितनी नई दुनिया की स्थापना होती जाएगी, दरिंदों की दुनिया कम होती जाएगी। तो